लाइम ग्रीन, नो मोर लाइम ग्रीन। छोटा सफर था लेकिन मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है इस लाइम ग्रीन के साथ। यू विल बी मिस्ड। ओह माय गॉड, कैन नो मिक्स एंड्रू बेगी यार जानू, मुझे प्यार हुआ था, बार बार हुआ था, सारे फतीहे इसके काम है। Assalamualaikum boys, welcome back to another vlog, another video। जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा होगा। हमारे पीछे हमारी अपनी और आपकी अपनी मीना और क्या क्या नहीं इस पर नज़र आ रहा, सुबह टाइम तो बहुत ही अजीब लग रही है। बट जो पहली न्यूज़, सबसे पहली न्यूज़ हम आपको देना चाहेंगे वो ये है कि हमने फाइनली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मीना के लिए ले ली हैं जी ब्रांड न्यू रिम्स। ब्रांड न्यू से मुराद है हमारे लिए ब्रांड न्यू, वैसे यूज्ड। आपको पता है आपका भाई ज़रा थोड़ा गरीब आदमी है तो कोई बात नहीं, चलता है। दीज आर द न्यू रिम्स, मैं पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अरसे से पसंद थे, फाइनली मिल गए हैं। नाम पे आए तो वर्क माइस्टर CR01 या CR1 करके इनका है, CR कन्फर्म बारह लिए मुझे गूगल पे देख लूँगा। फिलहाल ये है कि जी इनके ऊपर टायर प्रोफाइल है जी 215/45/17 जो कि हमें नहीं चाहिए। टायर की भी कंडीशन कुछ ख़ास नहीं है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। उसके अलावा इधर आ जाएं आप तो जो गुड पार्ट है वो गुड पार्ट है जी ये वाला 17x8.5JJ ऑल, जो हमारी गाड़ी के फेंडर्स में और रिम्स में गैप आया हुआ था ये वाला, वो हो जाएगा इससे कवर। 8.5JJ ऑल है, स्ट्रेट डिश, स्ट्रेट लिप है, बहुत ही खूबसूरत रिम्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हम ये गाड़ी पे लगवा नहीं सकते क्योंकि हमने ये पेंट करने हैं। कलर सजेशंस कमेंट्स में बता दें फटाफट, गाड़ी के लिए भी और रिम्स के लिए भी। तो ज़रा सोच विचार शुरू करते हैं, चलते हैं मीन मोटर स्पोर्ट्स, जाके देखते हैं जी कि आगे ज़िंदगी में क्या है करने को। फिलहाल ज़रा इसको स्टार्ट कर लें। बैड न्यूज़। जिन भाई के घर हमारे रिम टायर पड़े हुए हैं ना, जिनसे हमने ये परचेज किए हैं, वो अभी सो रहे हैं तो वो हम अभी पिक नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं फटाफट एमोटो हब, बिकॉज आपको किसी प्रोजेक्ट से दूर नहीं रखना। प्रोजेक्ट फिरियो को क्या क्या हो रहा है उसका जरा जाके देखते हैं जरा। बात बड़ी जरूरी थी वो ये थी कि जी तहे दिल से माजरत किसी भी भाई से जिनका नाम गाड़ी पे नहीं लिखा गया, इंशाल्लाह अगली दफ़ा सही। सारे मैसेजेस भी मैं पढ़ रहा था, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, थैंक यू वेरी मच हर बंदे का, बहुत बहुत शुक्रिया आप में से जिसने भी मैसेज किया, जिसने भी प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच जी। और बाकी एक बार फिर अपोलोजीज फ्रॉम माई साइड, हमें नहीं इतना रहा, थक भी गए थे काफ़ी, ज़रा मेरे तो लगाव था तो इसीलिए बस। बाकी इंशाल्लाह कोई नहीं, अगली दफ़ा सही। छोटू इतनी देर जो गर्मी में आपके भाई ने किया वो था ये, सारी गाड़ी से एक एक नाम साफ कर दिया हमने थिनर के यूज से, पूरी गाड़ी क्लीन हो गई है। इस पर हमने एक कमेंट भी पढ़ा था जी कि नाम फेंकना, अपने कल को रैप उतारना नाम फेंकना गलत है, तो इस वजह से हमने इस चीज़ को समझा था। और हमने ये पहले भी सोचा था कि हम या तो पेपर को फेंकेंगे नहीं ज़मीन पे या कुछ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हमने पूरी गाड़ी से नाम शाम साफ कर दिए। लेट्स गो टू मीन मोटर स्पोर्ट्स एंड लेट्स गेट मीना अनरैप्ड। छोटा सफ़र था लेकिन मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है इस लाइम ग्रीन के साथ। You will be missed। फिरियो की सस्पेंशन का काम हो रहा है, तकरीबन हो चुका है, और अब जो सिर्फ चीज़ रह गई है वो ये है जी कि वायरिंग निकल जाए सिर्फ, क्योंकि ईद की वजह से डिले है, अभी लड़के छटके सारे वापस नहीं आए। वायरिंग से निकल जाए तो शौक साहब अपना इंजन पे पेंट करना स्टार्ट कर देंगे, रक्षे वगैरह शुरू हो जाएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मीन वाइल हमें जाना पड़ेगा मीन मोटर स्पोर्ट्स, तो लेट्स गो, बेहतर इसी में ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा। जी बॉयज़,
देखते ही देखते आते साथ हमारी मीना का रैप उतरना शुरू हो चुका है, और बस क्या बताएं आपको, दिस इज़ द एंड ऑफ आर लाइम ग्रीन जर्नी। काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया इसके साथ। बाकी अब बात रही रैप की, तो रैप हमारा उतर रहा है, और इसके अलावा ये कि जो हमारा पता मारने वाला मिशन था, जो हमने पूरी गाड़ी में पता मारा था, पता बोले तो रेगमाल, रेगमाल बोले तो सैंड पेपर, तो वो जो हमने पूरी गाड़ी में मारा था, वो वाला मिशन हमारा कामयाब हुआ है कुछ हद तक। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जिधर से वो सही नहीं हुआ हुआ था, सही मंजाई नहीं हुई हुई थी, उधर से जैसा कि आप देख सकते होंगे पेंट उतर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, वी हैव गुड प्लान्स। बाकी इस दफ़ा जो हमारी रैप प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम थोड़ी सी डेंटिंग भी करवाना चाह रहे हैं और हम थोड़ा सा अस्तर भी करवाना चाह रहे हैं गाड़ी को। तो लेट्स सी एंड लेट्स थिंक अबाउट इट। बाकी फिलहाल बात ये है, सारी की सारी रैप जो हमारा था इसको हमने चलाया पूरा एक महीना 10 दिन। प्लान हमारा एक महीने का था, लेकिन चल एक महीना 10 दिन गया। अब सीन इस तरह का है कि अगला जो रैप होगा वो हमने करना है ग्लॉस में। तो ग्लॉस में कलर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा वो ग्लॉस, ये कंफर्म है। ये पीवीसी फ्लोरोसेंट पीवीसी था, इससे नीचे पीवीसी होता है और इससे ऊपर ग्लॉस होता है, और उससे ऊपर टैकर ऐप वगैरह होती हैं, वो अमीर बंदों की बातें हैं, वो हम किधर। इसलिए इस दफ़ा ग्लॉस होगा और उसको हम इंशाल्लाह लंबा चलाएंगे। लाइम ग्रीन, लाइम ग्रीन, लाइम ग्रीन, नो मोर लाइम ग्रीन। एंड इस फेंडर पे बहुत सख्ती के साथ पेंट उतराया है, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, ऐसे जैसे ओ ओ कोई तो रैप की तरह उतर रहा है यार। यार ये क्या स्टोरी है। नो मोर लाइम ग्रीन, और उसके साथ साथ जो पत्ता मारा था ना, पत्ते की बजाय शाइन आ गई, चेक करें है, फुल रिफ्लेक्शन ही मार रहा है यार ये तो, रैप उतर के ज़्यादा शाइन आ गई है। पूरे दिन की मेहनत के बाद थकावट हो गई है, ये जो आखिरी पीस है ना, हाय हाय हाय, जालम दिया बच्चिया। बहुत तंग किया है बम्पर ने, और माशाल्लाह माशाल्लाह जो मैं कह रहा था कि पेंट हमारा बच गया है, वो ये दरवाज़ों की हद तक बच गया, और उनमें शाइन भी बहुत है। लेकिन इस फेंडर पे तो ऐसे लग रहा है कि पेंट कभी हुआ ही नहीं। बम्पर की भी कुछ सिमिलर सिचुएशन है, और इसके अलावा ये फेंडर तो पूरा डिटेलस के साथ उतरा ना। हाल फिलहाल फिलहाल चलते हैं जरा फटाफट जाके अपने नए रिम्स पकड़ते हैं और उनको मीना पे लगाने की तैयारी करते हैं। टायर शायर उनके चेंज करने हैं हमने, हमारे पुराने वाले रिम्स जिस गाड़ी पे लगने हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और उसके अलावा जो हमारी गाड़ी पे नए रिम्स लगने हैं वो भी आपको दिखाते हैं। नाजरीन आखिरकार हमारे रिम टायर पूरे हो चुके हैं, 4 के 4 आ गए हैं। ओए होए मैं ना भी हो गया हूं। बॉस मैंने आपको बोला क्या है, आप खा रहे खाना, खा रहे माशाल्लाह सुभान अल्लाह या अल्लाह, ये क्या हो गया भाई। पीछे आपने देखा बिगी यार जानू, वो बिगी यार जानू यार, ये तो पता नहीं था। एंड वी आर फाइनली हियर एट अ पेट्रोल पंप, जिधर हमें टायर चेंजिंग फैसिलिटी मिल रही है। ये खड़ी है जी अपनी मीना, शेबी है साहब ऊपर चिलिंग कर रहे हैं। इसके चारों रिम टायर जो रिबॉन के थे स्टॉक वाले, वो लग जाएंगे वापस हमारी इस खूबसूरत बैक्ड रिबॉन पे। इसके जो रिम है, ये रिम जाने हैं उधर, और ये टायर आने हैं इधर। हमारे न्यू रिम्स जो हैं इनके ऊपर से टायर उतर जाने हैं, और ये वाले टायर जो हमारे थे ये इन पे चढ़ जाने हैं। ये टायर हमारे पास स्पेयर हो जाएंगे एक्स्ट्रा, उस गाड़ी के ऊपर ये रिम लगने हैं, और उनके पास भी रिम टायर हैं, वो रिम टायरों पे से टायर उतरेंगे, फिर वो इन रिमों पे चढ़ेंगे, फिर ये उस पे लगेगी। साइंस बहुत लंबी है। साजी आखिरी टायर है, आखिरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीटा यूरो आर इज लुकिंग माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी वेरी डर्टी बट स्टिल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। वाइट गाड़ी पे वाइट रिम, नो कंपटीशन। और इसी के साथ 8.5 जेजे ने अपना असर दिखा दिया है, और ये बिल्कुल फेंडर के बराबर है, और जब हमारी गाड़ी इंशाल्लाह ताला एयर पे ड्रॉप होगी तो ये इस लिप पे आके बैठेगी और मज़ा ही आ जाएगा। क्या बात है, इधर आए ब्रदर, इधर आए ब्रदर, ये चेक करें, चेक करें ज़रा।
सीरियल देख कितना बाहर आ गया, बहुत मजेदार इंशाल्लाह। हाँ जी सारे पैसे उधर ही होके। छोटी सही मगर बैक टू डिश गेम्स, और काफ़ी पीछे से भी फेंडर से बाहर ही है तकरीबन, तो आई होप के कैमरे किट ना लगानी पड़े। अभी गाड़ी ज़रा जैक से उतरती है फिर देखते हैं। रिम्स हमारे नए फिट हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह फर्स्ट लुक इंप्रेशन इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जो भी कलर हमारी गाड़ी पे होगा उसके साथ ये रिम्स बहुत खूबसूरत लगेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जितने बाहर आ गए हैं ना माशाल्लाह। और ये जो टायर ने लिप छोड़ दिया ना रिम ने, पतले टायर की वजह से जो लिप हो गया, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच हुआ है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सिंगल डिश का भाई आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, गारंटी है कि ये रिम बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। और हो सकता है कि हमें गाड़ी पे कैमर किट्स दोबारा डालनी पड़े थोड़ा कैमर करके, और फ्रंट से भी थोड़ा सा कुछ छेड़ना पड़े, क्योंकि होंडा ऑटो कैमर निकालती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं निकालती जितना हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि फ्रंट से बहुत ज़्यादा बाहर है। शटा हुए इसी के साथ आज का लॉन्ग एंड हेक्टिक डे होता है जी खत्म। शायद आपको ज्यादा हेक्टिक ना लगाओ लेकिन हमारे लिए था आज का दिन खत्म होता है यहाँ पर। नए रिम्स गाड़ी को लग चुके हैं माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे दिल के काफी करीब रिम्स थे, काफी अरसे से मैं ढूंढ रहा था और मुझे ये चाहिए भी थे, और वो फाइनली हमारा एक ड्रीम सा जो था ये रिम डालने का वो हो गया जी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गई बारी रैप की, तो करते हैं, टेंशन नहीं करते हैं। बाकी फिलहाल एक दो चीजें हमें और चाहिए वो हम ढूंढ रहे हैं इसकी, और कुछ डिफरेंट चेंजेस जो इस लुक में इंशाल्लाह हम अपनी मीना को देंगे वो आपको देखने का बहुत मजा आएगा, और वो काफी डिफरेंट होंगे। जो भी चीजें होंगी ना वो अहम से डिफरेंट होंगी, बस ये समझ लें आप। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप भाई को कमेंट्स में मशवरे भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बाकी दिन इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट, बिकॉज इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे। 11:30 हो गए। बाय 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 बाय।